तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, देख सकते हैं आप लोग। हमारे मैडम जी थोड़ा हाय कर दीजिए मैडम। अरे भाई बहुत। तो हाय दोस्तों, कैसे आप सब, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। और देख सकते हैं आज नाइट को शूट है, जो कि शूटिंग तो आप लोगों को कम देखने को मिलेगा और ज़्यादा देखने को मिलेगा भूत, क्योंकि आज जो है शमशान घाट जहाँ है वहीं पे हम लोग जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए। हम लोग के भाषा में इसको गईता बोलते हैं। और इतना खुशी मैडम और राज भैया, तो राज भैया कुछ बोलना चाहिएगा भैया? तो भैया से बात करेंगे थोड़ा देर बाद में शूट के लिए। तो अभी राज भैया आज के शूट के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए भैया, कि कहाँ जाने वाले हैं भूत आज। अरे रिहर्सल करते करते सीना आ गया, और अभी अभी जंगल में शूट करेंगे, रात भर जंगल में शूट चलेगा। और एक्शन सीन है, और सॉन्ग का नाम है सहाइना जुदाई, जो कि एक जमीन विवाद के कारण एक लड़की को प्यार के जाल में फंसा के जमीन लूटना चाहती है, और मैं एक जमीनी लड़का हूँ जो कि अपना जमीन को मैं बेचना नहीं चाहता। इसके लिए लड़की मुझे खुद बता दूंगा, तो देखोगे अब। और एक नया सॉन्ग आया भैया, उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। जो नया बहुत आज ही रिलीज हुआ है, पठानपुरी सॉन्ग आया है, जिसका नाम है भैया भी भूल गए क्या चेल गेले का। चेल गेले का। और काफ़ी दर्द भरा पति पत्नी का सॉन्ग है। पति काम करता है खेत में, पत्नी पति प्यास लगता है, पत्नी पानी लाने के लिए जाती है नदी में, नदी में आते समय पत्नी गिर गर्भपात में रहती। तो आप लोग वीडियो देखिएगा तो स्टोरी सुना। और भैया का न्यू हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, देख सकते हैं ताकि पहले से तो अभी बहुत ही हार्ड लग रहे हैं भैया, और उधर भी है देख सकते हैं। तो चलिए आज आप लोग को शूट दिखाते हैं आज का, जो कि शूटिंग तो आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आज रात को। तो बने रहिए आज के ब्लॉग में फिलहाल आप लोग। तो फाइनली गाइज हम लोग देख सकते हैं शूटिंग लोकेशन पे आ चुके हैं, और अभी हमारे विलन भैया जो कि डिप्स मार रहे हैं, क्योंकि अभी भैया का सीन है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए हमारे भाई लोग जो कि आज शूट में आए बहुत ही दूर से काम करने के लिए, और पीछे राज भैया देख सकते हैं, प्रिंस भैया जो कि कैमरा चल रहा है पीछे साइड। और अभी रात के बज रहे हैं 2, और हम लोग का शूट जो है अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि थोड़ा जो है लेट हो गया कुछ कारण, मतलब पीछे। और उधर देखिए हमारा फोर्स गाड़ी, और इधर फॉर्च्यूनर। शूट होने वाला है कुछ ही देर में स्टार्ट, तो आप लोग फिलहाल बने रहिए ब्लॉग में। आप लोग को बहुत ही मजा आएगा आज के शूट में, क्योंकि आज सिर्फ होगा गन और गन से बात होगा खाली आज। तो चलिए देखते हैं आगे का शूट फिलहाल। अभी आज ये दौड़ने भागने वाले, मतलब पूरा मजा आने वाला है। कैसे मेरा कैमरामैन जो है बहुत ही आलसी है, थोड़ा सा भी चल के आगे नहीं आ सकता है लेने के लिए, मतलब खड़े खड़े घुमा रहे हैं। कोई बात हुआ ठीक है, मार के उड़ा देंगे। विक्की देख सकते हो ओवरटेक हुआ नहीं, बाकी अभी फिर से हो रहा है। देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, देख सकते हैं आप लोग। हमारे मैडम जी थोड़ा हाय कर दीजिए मैडम। अरे भाई बहुत बढ़िया, अभी दिखाते हैं आप लोगों को पूरा शूट बचा हुआ है। रेडी आ जा, एक्शन। चलो ठीक है, ठीक है, पकड़ लो। हां वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भाग भाग साइड पे, साइड पे।
देख सकते हैं ये लोग जो है शूट खत्म होने की खुशी में करता है, पूरा प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, रहता है देखिए इस तरह नौटंकी कर रहे हैं। अरे अरे बहुत मार होगा तुम लोग, ठीक है। अरे गुंडा भैया का जो इसी का तो दोस्तों शूटिंग करते करते जो है नाइट से सुबह हो गया, मॉर्निंग हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए अभी शूट चल रहा है यहाँ पे, देखिए राज भैया को जो है तलवार लग गई है, घायल है, किस तरह आगे खून पीछे खून, बहुत ही मेहनत से किया गया जो भी है, आप लोग जो देख रहे हैं। और अभी आप लोग को बहुत ज्यादा खून निकल भी निकल रहा है, देखिए खून निकल रहा है, कितना सारा नीचे गिरा हुआ है। अभी आप लोग को और ही मजा आएगा आगे का शूट देखने में, क्योंकि काकू मारे हमारे मैडम जी और भैया जी का रोल तो बहुत ही खतरनाक है, आप लोग को वीडियो पे देखने को मिलेगा। और बाकी हम मिलवाएंगे भैया से स्पेशली, आप लोग को बताएंगे, अपना परिचय देंगे भैया क्या है क्या है कि नहीं भैया। अभी फिलहाल आप लोग को शूट दिखाते हैं, राज भैया को तलवार लगी हुई है मैडम, यही तलवार से आर पार किया गया है, देखिए कि भैया को जो है आज छुट्टी में खाना नहीं मिला इसलिए गुस्सा है। देखिए शूट करते करते देखिए सुबह हो चुका है, अभी और थोड़ा बाकी है दिखाते हैं। पूरा खून वाला सीन है, एकदम चाकू आर पार हो गया तलवार। अभी बचा हुआ, पूरा मेहनत से पार किया गया तलवार को राज भैया के शरीर के ई पार से वो पार है कि नहीं। ये जो खून गिरा है राज भैया के अंदर से सब यहाँ इसको अंदर करके और खून गिरा हुआ है।